वेलकम बैक। सो आज मैं आया हूँ सर सैयद हॉल साउथ। ये बहुत ही पुराना हॉल है इस यूनिवर्सिटी में। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, हम इस हॉल के बारे में बताते हैं और जो जो चीज़ें हैं यहाँ पे वो सारी चीज़ें मैं आज आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये है यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिस पर मैंने इसके पूरे डिटेल के बारे में बताया हुआ है। आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। एंड ये है सामने मुश्ताक मंजिल। ये इस साइड में आपको जितनी भी बिल्डिंगें दिख रही है, मुश्ताक मंजिल एंड निज़ाम म्यूज़ियम, ये सारी बहुत ही अहम बिल्डिंगें हैं इस हॉल में। जब ये हॉल बना था इन सारे लोगों का एक अहम कंट्रीब्यूशन था इस हॉल को बनने में। एंड वो सामने आपको जो दिख रहा है वो है स्ट्रेची हॉल। एंड ये है आपका हॉस्टल का व्यू। इधर जो दिख रहा है आपको ये है हॉस्टल। ये है खलीफा सैयद महमूद हसन गेट। यहाँ इस साइड में जितनी भी बिल्डिंगें हैं सबका आप कुछ ना कुछ नाम दिया हुआ है, जिन लोगों का एक अहम कंट्रीब्यूशन था इस यूनिवर्सिटी को बनाने में। एंड ये जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रेची हॉल, ये यूनिवर्सिटी का सबसे पहला आप क्लास कह सकते हैं इसको, यहीं से इस यूनिवर्सिटी का स्टार्ट हुआ था। अभी तो ये बंद है लेकिन फिर भी चलिए मैं पास से एक बार दिखा देता हूँ, अगर अंदर की कुछ चीज़ें नज़र आती है आपको तो अंदर से कुछ ऐसा नज़र आता है। फिलहाल तो ये बंद है, बाहर से ही नज़ारे हैं जो आप देख रहे हैं इसमें सारी चीज़ें। सबसे पहला क्लास यूनिवर्सिटी का यहीं हुआ करता था। अभी तो यहाँ पे जितने भी 26 जनवरी 15 अगस्त जो भी यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है वही होता है। अभी तो क्लासेस डिपार्टमेंटों में बढ़ चुका है अभी। एंड सामने ये जो आपको दिख रहा है ये है विक्टोरिया गेट, ये भी दिखाते हैं हम आपको पास से। हॉस्टल की हरियाली आप देख सकते हैं चारों तरफ। पास से कुछ व्यू आपके विक्टोरिया गेट का। इस दरवाजे का नाम पहले बुलंद दरवाजा हुआ करता था। एंड विक्टोरिया गेट एंड स्ट्रेची हॉल दोनों का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, पूरे दोनों के बारे में डिटेल में मैंने बताया हुआ है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं वहाँ पे जा करके या चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ नज़र आता है विक्टोरिया गेट। हॉस्टल के रूम्स जो आपको दिख रहे हैं, बाइकें वाइकें सब लगा रखी है एंड साइकिलें भी आप देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं लिटिल लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी की सबसे पहली लाइब्रेरी यहीं हुआ करती थी। अभी तो ये कॉमन रूम हो गया साउथ का। कॉमन रूम में बेसिकली होता वही है कि यहाँ पे टीवी वो भी लगा होता है एंड इंडोर गेम जितने भी होते हैं वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। चलिए मैं आपको लिटिल लाइब्रेरी के बारे में जो यहाँ थोड़ा लिखा हुआ है वो दिखाते हैं। ये है लिटिल लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा जानकारी जो यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो पॉज करके वीडियो आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ये जो आप देख रहे हैं ये है इस हॉल का कैंटीन। अभी तो बंद है लेकिन अब खुलने वाली है यूनिवर्सिटी, तो फिर सारी चीज़ें यहाँ खुल जाएगी, फिलहाल तो बंद है। सैयद हॉल साउथ का रीडिंग रूम, यहाँ पे बच्चे आके पढ़ते हैं, इनको लाइब्रेरी नहीं जाना रहता है वो यहीं पे आके पढ़ लेते हैं। तो सारी फैसिलिटीज़ आपको हर हॉस्टल में अवेलेबल है,
यूनिवर्सिटी के जितनी हॉस्टल हैं सब में। एंड ये जो आपको गेट दिख रहा है इसके उस साइड नॉर्थ हॉल है, सर सैयद हॉल नॉर्थ, दोनों पास में ही है। 1983 को सर सैयद हॉल साउथ और नॉर्थ को डिवाइड किया गया था क्योंकि बहुत मेसी हो रहा था इसीलिए। तो ये थी आज की सर सैयद हॉल साउथ की टूर जो मैंने आपको दिखाया एंड बताया इस पे जो मेन चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें। बहुत ही पुरानी हॉल है ये यूनिवर्सिटी की, इसलिए बहुत सारे विजिटर्स आते हैं बेसिकली इस हॉल को देखने के लिए एंड एएमयू की जो जामा मस्जिद है उसको भी देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए इतना हो सके इस वीडियो को।